एनडीए 3.0 मोदी गवर्नमेंट की सरकार का सातवां बजट निर्मला सीतारमन ने पेश किया और इसी के साथ साथ मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को क्या मिलेगा इस बजट में खास, इसी बातचीत के लिए हमारे साथ सर हैं। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये अगर देखा जाए कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक स्पेशल एलोकेशन दिया गया, चाहे बिहार की बात करें, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उड़ीसा की बात करें, इन सारे राज्यों को अगर आप देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में क्या संभावनाएं आप देखते हैं स्पेशली इस बजट से आते हुए? इस बजट में नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेसिफिकली मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ किया गया, बट लास्ट बजट में ऑलरेडी काफ़ी कुछ हुआ था। तो अभी जो है, अगर मैं देखूँ कि बिहार को कुछ मिला है, तो बिहार तो नॉर्थ ईस्ट, अगर आप कनेक्टिविटी देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट अगर कनेक्टेड है तो बिहार से काफ़ी कनेक्टेड है, तो अगर वहाँ पे अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, उन्हें भी पैकेज मिलता है, तो इसकी फ़ायदा, इनडायरेक्ट फ़ायदा जो है नॉर्थ ईस्ट को भी मिलेगा, बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट मार्केट टू नॉर्थ ईस्ट, तो वो फ़ायदा हमें दिख रहा है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमी जो है वो MSME की है, वहाँ पर लार्जली MSME ही है और इंडस्ट्रीज़ में, और लार्ज इंडस्ट्रीज़ बहुत कम हैं। तो MSME की तरफ नॉर्थ ईस्ट देख रहा था कि MSME को क्या पैकेज मिलेगा, और हमारा एक्सपेक्टेशन भी था, CIS का एक्सपेक्टेशन था, तो वो पूरा हुआ है, तो वो पॉजिटिव चीज़ है, काफ़ी पॉजिटिव है। 100 पोस्ट बैंक्स सीतारमन जी ने बोला है, तो वो भी जो एडिशनल ब्रांचेज आ रहे हैं वो भी अच्छी चीज़ है। दूसरा, स्पेसिफिक जो उन्होंने आसाम के लिए बोला, जो आसाम आपको पता होगा कि हर साल फ्लड से अफेक्टेड होता है, पूरी इकोनॉमी जो है 2 महीने पूरी इकोनॉमी ख़राब हो जाती है, वहाँ बिजनेसेस 50% से नीचे डाउन हो जाते हैं, तो अगर उसके ऊपर रिकंस्ट्रक्शन, इम्प्रूवमेंट ऑन से ये सब चीज़ें अगर होती हैं फ्लड रिलेटेड, तो उससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा आसाम को। निर्मला सीतारमन ने एक वर्ड यूज़ किया, ऑल वेदर रोड्स, मतलब सारे वेदर में, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो रोड सड़कें सही रहेंगी। आपने, आप सही बोल रहे हैं कि ऑल वेदर का बहुत ज़रूरी है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जो है 6 महीने जो है वहाँ पे बारिश होती है, हैवी बारिश होती है, सड़कें जो है गायब हो जाती हैं, खास करके हिली टेरेन में, जहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, वहाँ पर जो है हमेशा हर साल 6 महीने जो है आपके बिजनेसेस जो है स्लो हो जाती है। तो अगर ये बहुत अच्छी चीज़ जो अब सीतारमन जी ने कहा है कि ऑल वेदर, वी वेलकम दैट, इट्स द बेस्ट थिंग विच सीतारमन जी कैन गिव टू नॉर्थ ईस्ट। सर, अगर पूरी तरह बजट को देखा जाए, ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, हाउ यू एंड CII फील्स अबाउट इट? वी फील पॉजिटिव अबाउट दैट। मे बी से शॉर्ट टर्म में मार्केट का गिर जाना और ये हो जाना, एक्सपेक्टेशन जो है मीटअप नहीं होना, तो सरकार हमेशा एक्सपेक्टेशन मीटअप नहीं कर सकती है फॉर ए शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखते हैं, लॉन्ग टर्म में द बजट इज़ ए गुड बजट एंड ए हेल्दी बजट, वेलकम दिस बजट। सर, आप खुद सीमेंट इंडस्ट्री से आप ताल्लुकात रखते हैं, तो सीमेंट इंडस्ट्री, माइनिंग, इन सेक्टर्स के लिए किस तरीके से ये बजट रहा? स्पेसिफिकली अगर आप देखें माइनिंग में क्रिटिकल मिनरल्स को अगर देखा जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल एलोकेशन कर दिया गया है, क्रिटिकल मिनरल्स पे आपका इम्पोर्ट घटा दिया है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मार्केट? आपका दो सवाल है, पहले मैं, पहला सवाल जो सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में गवर्नमेंट पिछले कई बजट से एलोकेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रा में उनका पूरा फोकस है, इस बार भी वो जारी है, और मेरे ख्याल से फ्यूचर में, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग, सोशल लाइफ, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, और अगर उसमें इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है GDP पे आता है, ये गवर्नमेंट जानती है, सारे लोग जानते हैं। तो हम एकदम बहुत पॉजिटिव हैं इन लॉन्ग टर्म दैट इट्स सीमेंट इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू डू वेल, बिकॉज इट इज़ द मेन से इन्ग्रेडियंट टू द इंफ्रा, सो वी विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ इट। एंड देन कमिंग टू द मिनरल, एज यू सेड दैट इम्पोर्ट ड्यूटी अगर कम होती है मिनरल्स की, तो ये मैनुफैक्चरिंग में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, तो मैनुफैक्चरिंग जो है और इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा, विल बिकम मोर एफिशियंट, मोर कॉम्पिटिटिव।
सो ए वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम के लिए ऑल वेदर रोड्स की डिक्लेरेशन की है, ये काफ़ी एक उत्साहजनक है। और उसी के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स पे जिस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं, काफ़ी फोर्थकमिंग है। जी बिजनेस के साथ सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि इस बजट के साथ साथ सीमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफ़ी फायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सर।